दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल्ला रून और आज आप लोगों को मैं रात होते की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो ये अभी मैंने कल ही बचा लिया है और इसका मैंने नाम कैप्टन रखा है। तो इसमें अभी ये बच्चा है इसलिए मैं इसको ना ही ज़्यादा गर्मी में रख सकता हूँ, मतलब डायरेक्ट सन में, और ना ही मैं इसको उसमें रख सकता हूँ ये एसी में या फिर पंखे नीचे, ताकि इसको ठंड ना लगे। इसलिए मैंने ये देखे पंखा भी बंद किया हुआ है अपना, और मैं डाइनिंग रूम में हूँ। और ये अभी महीने का होगा तो ये मुझे कॉलेज रोड से मैंने कल लिया, और ये 11,500 का है। तो इसको जब तक इसके देखें जाए बाल अभी इसके हर जगह पूरे नहीं आए हुए, जब तक इसके पूरे ना आए तब तक आपने इसको ना ही ज़्यादा गर्म जगह पे लेके जाना है, ना ही ज़्यादा ठंडी जगह पे। नॉर्मल टेम्परेचर हो, जहाँ पे हमें ज़्यादा गर्मी लग रही हो उसका मतलब है इनको भी गर्मी लग रही है, जहाँ पे हमें ठंड लग रही हो वहाँ पे इसको भी ठंड लग रही है। और ये जो कवर्ड बच्चा लिया है अभी, तो ये मैंने अगर अनकवर्ड हो ताकि इनको उन्होंने ज़्यादा पाला हुआ होता है, पाल के बड़ा किया होता है, तो इनके फीड के भी वो पैसे रहते हैं फिर, इसलिए ये ज़्यादा महंगे आते हैं थोड़े। और अगर ये जो छोटा हो इससे जिसके मैं पर वो बाल नहीं आए होते और सारा वाइट ही होता है, मेरी स्किन नहीं होती है बस, तो वो फिर उसका वो हो जाता है, उसकी फिर वो सस्ता मिल जाता है, 9-10 हज़ार का मिल जाता है वो। तो अब हम ये जो आप लोगों को रेड कलर नज़र आ रही है, इसका खून नहीं है, ये कलर ही ऐसा है, पैरों में इस साइड पे भी और इस साइड पे भी रात होते है कि रेड कलर ही होता है। और इसको जब खाना दो तो ये इसका जो हमें पता कैसे चलता है कि इसने खाना खा के इसका पेट भर गया, यानी ये इसका पेट होता है नीचे, ये जब फूल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका पेट भर गया। अभी ये इतना ज़्यादा नहीं फूला हुआ लेकिन फूला हुआ है, जिसका मतलब है कि इसका अभी पेट थोड़ा सा भरा हुआ है। तो इनको खाने में क्या देना होता है, अगर ये छोटे हों तो इनको जैसे ये जो सीडलेग होता है ये थोड़ा सा नॉर्मल पानी में डाल के तो मिक्स करके, तो वो हमने इनको इस इंजेक्शन से पिलाना होता है गले की नाली में डाल के। तो ये मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले पिला दिया था, इसलिए अब मैं ये दोबारा नहीं पिला सकता। तो ये जो दाल होती है, ये जो होती है इसको पानी में डाल के तो आपने रख देना, तो फिर इसको आपने 3-4 घंटे बाद या जब भी आपने इसको खाना देना हो तो आप दे सकते हैं। इसको मैं सुबह के वक्त सीरियल देता हूँ और दोपहर के वक्त भी, और फिर रात के वक्त मैं ये दाल देता हूँ। तो मैंने ये दाल दोपहर को रखी थी और मैं अभी ये रात को दूंगा। मैं इसको फजर के वक्त के थोड़ी देर के बाद देता हूँ सीरियल, उसके बाद मैं 12 बजे देता हूँ, और उसके बाद रात 7-8 बजे तक मैं इसको दाल खिला देता हूँ। तो आए एक दो दाने इसको दाल के भी खिला देते हैं। और इसके साथ पानी भी थोड़ा लगा रहने, क्योंकि अगर इसको प्यास भी लगी हुई हो तो पानी भी साथ साथ जाए। तो इसको पहले थोड़ी देर पानी में रखें, उसके बाद एक सेकेंड जी, कमान ये अपना मुंह है खुद ही खोल लेता है कैप्टन, मुझे लगता है इसका भी मूड नहीं है, या फिर मुंह भी खोलना पड़ेगा अपने हाथों से। एक सेकेंड जी, और
मैं इसको मुंह में डालने लगूँ, तो अगर हमने इसको मुंह में ऐसे डालना हो तो इसका ये यहाँ से ये मुंह पकड़ते हैं और ये ज़ुबान के ऊपर ऐसे रख देते हैं और ये खुद ही इसको अंदर ले जाते हैं गले के। एक और खिला देते हैं, ये लो कैप्टन, ये इसके आपने बस जुबान के ऊपर रखना है तो इसको खुद ही इसके पेट में खुद ही वो ले जाएगा। ये अभी बच्चे हैं तो जब तक ये खाना ना खाएं तब तक ये बोलते नहीं हैं। अभी देखें, मैंने इसको खाना दिया तो ये बोलने लग गया, और इससे पहले ये नहीं बोल रहा था। तो इसको अगर आप उंगली भी आए मुंह में डालें तो इसे लगता है हम खाना दे रहे हैं, तो ये बोलने लग जाता है। और ध्यान रखें कि ये इसको बच्चे ना पकड़ें या फिर बच्चे भी पकड़ें और सही तरह पकड़ें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता तो वो इसका पेट भी दबा देते हैं, फिर ये इसको वॉमिट आ जाती है या फिर इसकी ये मर जाता है। तो सेरेलैक भी अगर मैं इसको खिलाऊं तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। आज रात कल सुबह मैंने इसको खिलाना है तो मैं इसको बना दूंगा आप लोगों को वीडियो। तो ये देखें, हम बोली जा रहे, खाना मांगी जा रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको अभी इस वक्त दे नहीं सकता क्योंकि ये अभी मैंने इसको ये रात को देनी है, फिर ये रात को नहीं खाएगा। तो मैं वैसे इसको 1-2 घंटों के बाद एक दो ये डाल के 3-4 दाने वैसे ही डाल देता हूँ। और इससे पहले आपने देखा था ये वो सुस्त हो के बैठा हुआ था, और जैसे ही इसको मैं खाना दिया तो ये फिर बोलने लग गया। और 2-3-11 इसको मैं इधर ही डाइनिंग रूम में रखता हूँ, और क्योंकि हमने एसी ऑन किया हुआ था कमरे में तो इसको वहाँ पे लेके नहीं जा सकते और यहाँ पे भी हम पंखा नहीं ऑन कर सकते। और ये वाला सिरिलैक है, इसमें और भी बहुत से होते हैं, अगर आपने कोई और लेना तो आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही देता हूँ। मैंने एक दफ़ा पहले भी पाला था लेकिन पता नहीं वो बीमार हो गया था तो वो मर गया था। और मेरे अबू बहुत पालते हैं तो वो बचपन से ही सिरिलैक खिला रहे होते हैं, तो इसलिए मैं भी अब यही खिलाता हूँ, और इनको पालना मैंने उन्हीं से सीखा है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, आज की वीडियो में इतनी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।